गाइस, क्या आप अपने वीडियो पे इंट्रो लगाना चाहते हो? क्योंकि इंट्रो लगाने के बाद वीडियो काफ़ी कूल दिखता है। अगर आप इंट्रो लगाना चाहते हो और वीडियो का शान बढ़ाना चाहते हो तो हम आज आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप एक एक जानकारी देने वाले हैं कि आप कैसे एक प्रोफेशनल टाइप से आप इंट्रो बना पाओगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो की ओर बढ़ते हैं। तो गाइस, इस इंट्रो को बनाने के लिए हमने यहाँ पर काइन मास्टर एप्लीकेशन का यूज किया है। आप इजीली इसे प्ले स्टोर से या फिर आप जो है गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम काइन मास्टर को जो है पहले ओपन कर लेते हैं। काइन मास्टर में आने के बाद यहाँ पे हमें एस्पेक्ट रेशियो यानी प्लस वाला आइकन पे क्लिक करना है। यहाँ पर आने के बाद 16:9 पे क्लिक कर लेना है। तो गाइस, यहाँ पर आने के बाद हमें यहाँ सिंपली मीडिया पर क्लिक करना है। यहाँ पर बैकग्राउंड पर क्लिक करना है और यहाँ से एक जो है हमें वाइट बैकग्राउंड ले लेना है। बैकग्राउंड को जो है आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। बैकग्राउंड के बाद यहाँ पे आपको सिंपली लेयर पे चले जाना है। यहाँ पे मीडिया पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप अपने कोई भी जो है आपका जो चैनल का लोगो है उसे आप जो है यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो मेरा यहाँ पे जो है मेरा ये है, तो ये सेलेक्ट कर लिया हूँ। अब यहाँ पर आपको जो है इसे अपने हिसाब से सेट कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है मैं यहाँ पर फिट करने के बाद यहाँ पर इसे क्रॉप करूँगा थोड़ा सा। तो यहाँ पर क्रॉपिंग पर चले आना है, आपको क्रॉप ऑन कर देना है और फिर हल्का सा यहाँ पर आप अपने हिसाब से क्रॉप कर लेना है। इतना होने के बाद जो है आपको यहाँ पे लोगों को देख लेना सेंटर में है या नहीं। इसके बाद आपको लेयर पे चले जाना है, फिर से आपको मीडिया पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको जो है एक बैकग्राउंड ले लेना है वाइट वाला और इसको आपको जो है अपने लोगों से बड़ा कर लेना है। हल्का आपको जो है इसे राउंड का घुमा देना है। तो गाइस, अब यहाँ पर हमारा सबसे मेन काम है। तो यहाँ पर हमने जो बैकग्राउंड लिया है वाइट कलर का, उस पर टच करेंगे। ऊपर हमें शो हो रहा है कॉर्नर में एक जो है की, उस पर टच करना है। उसके बाद जैसे सर्कल थोड़ा सा आगे करेंगे, ठीक है, फिर जो ऊपर जो हमारा लेयर है एक लेयर वाइट बैकग्राउंड का, उसे हल्का ऊपर करेंगे। इसी तरह से फिर से टच करेंगे वाइट बैकग्राउंड पे, फिर से की पे, और इसी तरह से ऊपर वाला लेयर जो है हमारा बैकग्राउंड, उसे हल्का ऊपर करेंगे। इसी तरह से हमें करते जाना है और इसे जो है आखिरी तक ले आना है। तो आप इसी तरह से करते जाइएगा। आपको बैकग्राउंड जो है उस पर क्लिक करना है, फिर की पे क्लिक करना है, फिर आपको जो है ऊपर वाले जो हमारा लेयर है उस पर क्लिक करके आगे करते जाना है हल्का हल्का, और ये लास्ट में आपको ऊपर ले आना है। अब दिखाता हूँ मैं आपको, यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हमारा कितना अच्छा दिख रहा है। तो गाइस, इतना वर्क होने के बाद अब हमारा जो है नेक्स्ट स्टेप, तो हम नेक्स्ट स्टेप जो है लेने वाले हैं, यहाँ पर जो है इसे बीच से कट कर देंगे वाइट वाले लेयर को, जहाँ पर जो हमारा वेस्ट है। तो आप जो है उसे कट कर सकते हैं, ठीक है, और वेस्ट वाले को डिलीट कर सकते हैं। तो हमारा जो भी है यहाँ पर बेकार वाले जो है हिस्से हैं, उसे हम जो यहाँ से डिलीट कर देंगे सिंपली। अब मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको कि अब हमारा पहले से काफ़ी फास्ट यहाँ पे होने लगा है। तो गाइस, इतना होने के बाद अब हम चलते हैं फिर से लेयर पे, यहाँ पे मीडिया पे चले जाएंगे। यहाँ पे बैकग्राउंड पे वाइट जो है हम इमेज सेट कर लेंगे। यहाँ पर जो है इसे क्रॉपिंग कर लेंगे हल्का सा। तो चलिए, इसके लिए हमें क्रॉपिंग जो है इसे चूज़ करते हैं और यहाँ पर हल्का इसे क्रॉप कर लेंगे, जितना छोटा हो सकता है आप कर लीजिएगा यहाँ पर। उसके बाद इसे ऑन कर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन आपको फेदर दिख रहा है, उसे आपको जो जितना बढ़ा सकते हैं बढ़ा दीजिएगा, क्योंकि बढ़ेगा उससे जो है आपको उसका कैपेसिटी जो इमेज का कम होते जाएगा, तो इसलिए हमें यहाँ पे बढ़ाना पड़ रहा है। तो यहाँ पर ओके कर देना है। उसके बाद हमें जो है फिर से जो है अपने बैकग्राउंड वाले जो इमेज है उस पर क्लिक कर लेना है और आप इसे जो है अपने हिसाब से सेंटर पर सेट करना है। आपको इधर उधर बिल्कुल भी नहीं करना है, इसे सेंटर पर एकदम फिट करना है। तो यहाँ पर सेंटर पे जैसे हमारा फिट हो जाएगा, उसके बाद फिर आपको जो है उस पर क्लिक करना है और फिर आपको की वाले ऑप्शन पे चले जाना है। वहाँ पर फिर से आपको जो है स्टेप हल्का आगे करना होगा, ठीक है, और ऊपर हल्का जो हमारा जो इमेज हमने सेट किया है उसे हल्का से ऊपर करेंगे। स्टेप बाय स्टेप आपको इसी तरह करते जाना है। आपको फिर से लेयर पे क्लिक करना है, की पे जाना है, हल्का आगे करना है, इसी तरह से ऊपर करते जाना है। तो गाइस, आपको स्टेप बाय स्टेप इसी तरह फॉलो करते जाना है। तो चलिए, हमारा यहाँ पर जो है लास्ट काम बाकी है। हमारा जो है यहाँ पे बैकग्राउंड जो इमेज है उसे कोने पे लाके और फिर लास्ट यहाँ पे एक की लेंगे और फिर लास्ट यहाँ पे नीचे ले आएंगे उसको, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेप आगे बढ़ना है और फिर ऊपर से नीचे ले आना है। इतना करने के बाद जो हमारा ये बन के तैयार हो चुका है। तो चलिए ऊपर देखते हैं कैसा दिख रहा है। तो गाइस, यहाँ पे हमारा जो इंट्रो का लोगो जो है वो बन चुका है। अब हमें इसे एक्सपोर्ट कर लेंगे। तो चलिए इसे हम फटाफट जो है एक्सपोर्ट कर लेते हैं ये वीडियो को। तो गाइस, फाइनली हमारा एक्सपोर्ट हो चुका है। अब हमें जो है फिर से एक बार 16
रेशियो 9 पे क्लिक कर लेना है। और फिर जो है अब यहाँ पर जो है हमें एक जो है यहाँ पर टेम्पलेट जो है वो सिलेक्ट करना है। तो आप जो है कोई भी टेम्पलेट अपने हिसाब से डाउनलोड कर सकते हैं गूगल से, और नहीं तो मैं जो है अपने जो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक, उसका आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे अपना जो है टेम्पलेट चूज़ कर लेता हूँ। तो गाइस ये रहा हमारा टेम्पलेट, तो हम इसे जो है यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद जो है इसका जो भी बेकार वाला हिस्सा है, जो वेस्ट वाले जो हिस्सा है, उसे हम कट कर लेंगे। तो वहाँ पे सिलेक्ट करके हम सिंपली कट वाले ऑप्शन पे जो हम क्लिक कर देंगे। इतना होने के बाद जो है अपना जो है यहाँ पर टेम्पलेट का जो है सेंटर हमें चेक करना है, और फिर अपना जो अभी एक्सपोर्ट किया है वीडियो उसे हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो चलिए यहाँ पर हम लेयर पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर मीडिया पर चले आएँगे और एक्सपोर्ट वाले फाइल से जो हम अभी एक्सपोर्ट किए हैं उसे जो हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। इतना होने के बाद जो है आपको यहाँ पर लोगों को सेंटर पर रखने के बाद जो है हम इसका सेटिंग पे चले जाएंगे, और फिर आपको यहाँ पे नीचे चले आना है। नीचे चले आने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा ब्लेंडिंग, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे नीचे आपको आना है मल्टीप्लाई, इस पर आपको सिंपली जो है क्लिक कर देना है। यहाँ पर होने के बाद जो है आप देख सकते हैं हमारा इंट्रो है बन के तैयार हो चुका है। अगर ये वीडियो आपको ज़रा सा भी अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो लाइक कीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।